शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नदी और नालों की समस्याओं को लेकर भले ही राजनीतिक स्तर पर प्रशासन को झूठा दावा साबित किया गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मनपा प्रशासन की ओर से नदी, पीली नदी, नाग नदी और पोहरा नदी जो है इन्हें साफ किया गया है। शहर की नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी की अच्छी तरह सफाई होने से पहली बार नदियां पुनर्जीवित होने तथा शहर की संस्कृति के रूप में इन नदियों की पहचान फिर एक बार उजागर हुई है। मनपा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आयुक्त तुकाराम मुंडे ने तीनों नदियों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। इसके वजह से ही नदियों को उनका मूल स्वरूप प्राप्त होने लगा है। मनपा प्रशासन के अनुसार नाग नदी के किनारे बसे नागपुर शहर की संस्कृति के रूप में पहचान बनी नाग नदी गत कुछ वर्षों से नाले में तब्दील हो गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य की उपराजधानी की पहचान नाग नदी के इस स्वरूप को बदलने का कार्य मनपा द्वारा शुरू किया गया। तीनों नदियों के दोनों ओर भारी अतिक्रमण, उद्योग का दूषित जल, मल जल इसी नदी में छोड़े जाने से दुर्गंध फैलने लगी थी। यहाँ तक कि किनारे के बस्तियों में स्वास्थ्य समस्या भी निर्माण हो चुकी थी। हालांकि पहले भी नदियों की सफाई होती रही, किंतु इस वर्ष सफाई के साथ ही नदियों की गहराई और चौड़ाईकरण भी किया गया। नदियों से निकाले गए मलबे को किनारे पर रखने की बजाय अन्य स्थलों पर ले जाया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।